जय हिंद। ये झारखंड करंट अफेयर का 20वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग टोटल 6 योजनाओं प्लस कुछ एप्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे जो 20वां लेक्चर है ये कोविड को डेडिकेटेड है, मतलब कोविड के टाइम में क्या क्या हुए, एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे मैंने दिया है। इसमें टोटल 6 यहाँ पे मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन, आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। आपके एग्जामिनेशन में अगर आपका मोटिव है सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनाना, तो डेफिनेटली एक मेरे ख्याल से सबका यही मोटिव होगा सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के बने, क्योंकि सबको करंट अफेयर्स से बहुत डर लगता है। झारखंड जीके से तो डर लगता है, लेकिन जो हमारे इनरोल स्टूडेंट हैं उनको बहुत आसान लगने लगा है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे करंट अफेयर का एक सीरीज लेकर आया है, जिसमें का पूरा सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए आएगा, पीडीएफ वीडियो सारे कुछ। तो आप लेक्चर 1 से डेफिनेटली स्टार्ट कीजिएगा, तो सारे क्वेश्चन आपको पता चलेगा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वगैरह में सारे यहीं से बनाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमारे कोर्सेज से आपसे जुड़ना है, इसमें बेस्ट फैकल्टीज के साथ आपको कोर्सेज पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डीजी साथ कार्यक्रम से। तो डीजी साथ कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए इस फोटोज को, इस फोटो से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये फोटो से इतना समझ में डेफिनेटली आ रहा होगा कि ये एक जूम प्लेटफॉर्म है। तो आप कोविड के टाइम में याद कीजिए कि सबसे ज्यादा जूम एप्लीकेशन क्यों यूज हुआ था झारखंड सरकार के द्वारा। जब पढ़ाई बंद हो गया था लाखों लाखों बच्चों का, तो सभी टीचर लोग जूम में पढ़ा रहे थे, याद है? तो आप देखिए यहाँ पे टीचर्स, तो इस तरह करके पूरा का पूरा क्लासेस चल रहे थे यहाँ पे। और ये बेसिकली स्टूडेंट और क्लास वाला नहीं है, ये बेसिकली जो मीटिंग हो रहा था उसका है। आप देखिए यहाँ पे राजेश एपीओ एसबीजी और बाकी सारे जो टीचर्स लोग हैं वो यहाँ पे सारे हैं। तो सबको इसीलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है क्लास कैसे लें और क्या क्या आपको करना है। तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि डीजी साथ कार्यक्रम तो पढ़ाने वाले से रिलेटेड है। तो चलिए पढ़ते। कोरोना टाइम में शिक्षा क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ था, लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, 2 साल तक लगभग स्कूल बंद रहे थे, तो बहुत छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। और पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए पढ़ाई को ऑनलाइन किया गया था। और इसके लिए अप्रैल 2020 में डीजी साथ कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि ऑनलाइन स्टडी का माध्यम बनाया जा सके। और लगभग इस कार्यक्रम के तहत 14 लाख विद्यार्थी लोग लाभान्वित हो रहे थे। तो आपको याद रखना है डीजी साथ कार्यक्रम, डीजी मतलब समझिए डिजिटल, ठीक है? डिजिटल, तो डिजिटल यहाँ होना है, तो डिजिटल पढ़ने के लिए हुआ, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात हो रही है, ऐसे चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। तो ये फोटो भी आपको याद करने के लिए सफिशियंट रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रज्ञाम ऐप के बारे में। तो प्रज्ञाम ऐप भी कोविड के से ही रिलेटेड है। तो देखिए प्रज्ञाम ऐप बेसिकली क्या है, जब कोविड था सभी कोई घर में बंद है, लेकिन कुछ एसेंशियल जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे कुछ मेडिकल काम करने वाले लोग हैं, जो बैंकिंग रेगुलरली जा रहे हैं, ये सब एसेंशियल, इसके बिना काम बनेगा नहीं। अगर बैंक ठप हो जाएगा तो घर में रह के क्या कीजिए, कुछ चलेगा ही नहीं। उसी तरह से अगर मेडिकल हॉस्पिटल नहीं रहेगा तो आप तो बीमार का इलाज कैसे होगा। तो जो रोजमर्रा में जो बैंकिंग मेडिकल और अति आवश्यक सुविधाएं थी, तो उनको तो बाहर जाना है, तो जब बाहर जाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पास लेना पड़ेगा। तो वही ई पास के लिए प्रज्ञाम ऐप यहाँ पे किया गया था। लोग वेबसाइट से भी कर रहे थे, लेकिन अगर ऐप का पूछा जाएगा तो वो आपका प्रज्ञाम ऐप रहेगा। तो प्रज्ञाम ऐप के तहत क्या किया गया था, आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में जो लोग लगे थे, जैसे बैंकिंग मेडिकल अन्य सेवाओं के लिए, उनके ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम यहाँ पे ऐप जारी किया गया था। इसके तहत बेसिकली किया गया था, आप अपना आधार कार्ड कहाँ से कहाँ तक जाना है वो अपलोड कीजिएगा, तो जो स्टेट के जो आरटीओ रहेंगे, जो उनके वहाँ पे काम करने जो अप्रूवल रहेंगे, वो आपका अप्रूव करेंगे और आपका इस तरह से एक ई पास जनरेट हो जाएगा। आपने एकदम डेफिनेटली देखा होगा, तो इस तरह से आपने पास जरूर देखा होगा अपने घरों के वाहनों में चिपका हुआ या आसपास के वाहनों में, जिसमें लोग क्या करते थे, अपना नाम, मोबाइल नंबर, कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, क्या प्रायोजन है जाने का, गाड़ी का नंबर क्या है, आधार कार्ड क्या है, ये सारा एप्लीकेशन देने के बाद वो अप्रूव करते थे। आपके डिस्ट्रिक्ट डीटीओ जो रहते थे वो अप्रूव करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अप्रूव करने के बाद आपको इस प्रकार का ई पास जनरेट होता था। आप इसको प्रिंट आउट लेकर के अपने गाड़ी में चिपका देते थे। तो ये प्रज्ञाम ऐप के तहत भी होता था और वेबसाइट के तहत भी होता था। तो आपको ध्यान रखना जो प्रज्ञाम ऐप है वो इसी से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है आपका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, मतलब गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल था ये ऐप। अब आगे देखते हैं हम लोग, इस ऐप का नाम है आपका वेजिगो ऐप। ये
वेजिगो प्रोनाउंस होता है या वेगीगो, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो सबसे पहले आप इसका देख लीजिए ये है क्या, फोटो से सब कुछ क्लियर होता है और हमारा माइंड उसी तरह से काम करता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पूरा आपका जो नाम है वेजी अलग है और गो अलग है, वेजीगो मेरे ख्याल से उसका आप प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वेजीगो। तो वेजीगो क्या है यहाँ पे कि जब COVID-19 था यहाँ पे तो होम डिलीवरी के लिए, ठीक है, 24 घंटे में जो चीजें आपके घर स्टेप में पहुंच जाएंगी, जो भी सब्जी रहेंगे दाल रहेंगे वो चीजें आपको घर तक पहुंच जाएंगी, उसके लिए वेजी गो एप्लीकेशन का यहाँ पे शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पे है होम डिलीवरी ऑफ नेसेसरी आइटम ड्यूरिंग COVID-19, तो ये आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि वेजीगो यहाँ पे क्यों है। बाकी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सुविधा स्मार्ट, बाकी बिग बाजार, ये सब भी साथ में बोल दिए थे कि हम लोग भी यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कौन था, वेजीगो ऐप यहाँ पे था, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब हम लोग कोविड में ही एक देखते हैं, एक और ऐप का यहाँ पे निर्माण किया गया था, उसका नाम है झारखंड बाजार मोबाइल ऐप। झारखंड मोबाइल बाजार ऐप क्यों था, ये भी आपका वेजीगो से रिलेटेड ही है, लगभग आपको उसी तरह से मिलेगा, दोनों को इसलिए मैंने एक साथ जोड़ दिया ताकि कंफ्यूज ना होंगे आप। देखिए क्या हुआ था, COVID-19 टाइम में लॉकडाउन लग गया है, राशन लेने के लिए तो आपको जाना है, तो राशन लेने के लिए बहुत बाहर में क्या है, कोविड फैला हुआ है, जाने के लिए बहुत कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कर्फ्यू में बाहर ना जाए तो राशन कैसे आएगा भैया, तो वो आएगा आपका झारखंड बाजार मोबाइल ऐप के तहत। इसके तहत बेसिकली क्या है, ग्राहक और जो आपके दुकानदार रहेंगे उनको यहाँ पे आस में जोड़ दिया जाएगा साथ में। तो ग्राहक क्या करेंगे, आसपास के दुकानों को यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से दुकानें यहाँ लॉन्च है, वो कितने किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर घेरे में वो देख पाएंगे यहाँ यहाँ कौन सा दुकान है, और दुकानदार वाले अपना वो रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पे, हाँ मेरा दुकान यहाँ पे है, तो जहां से वो सामान लेते थे वहीं से वो सामान वापस ले सकते हैं, वहां पे अपना बता देंगे मुझे 2 किलो दाल चाहिए, 4 किलो आपका नमक चाहिए, 1 किलो सोयाबीन चाहिए, इस तरह का अपना वहां पे दे देंगे ऑर्डर और वो घर बैठे उनका राशन पहुंच जाएगा। किसके तहत, झारखंड बाजार मोबाइल ऐप के तहत। तो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है कि ये 2 किलोमीटर घेरे के अंदर, मतलब ये बेसिकली जीपीएस वगैरह से काम करता होगा, जीपीएस टेक्नोलॉजी पे ये आसपास की चीजों को वो दिखाता होगा, तो इस तरह करके यहाँ पे प्रोफाइल दिखाया जाएगा उनको, यहाँ पे आप देख पाएंगे ऐप दुकानदार और ग्राहक दोनों अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 किलोमीटर के घेरे में आने वाले दुकानदार की प्रोफाइल खरीदार को स्नैप पर नजर आ जाएगा, मतलब प्रोफाइल नजर आ जाएगा दुकानदार को 2 किलोमीटर के अंदर, जहां उसको सामान मंगवाना और उनका लोकेशन भी पता चल जाएगा, तो जिसको खरीदना अपना लोकेशन डाल देगा उसके घर में वो पहुंच जाएगा। और सामान की डिलीवरी के लिए इसके लिए पास भी चाहिए, उसको एम पास यहाँ पे कहा गया था, और ये एम पास मात्र 2 घंटा के लिए वैलिड था, क्योंकि 2 घंटा में 2 किलोमीटर तक आराम से पहुंचा के घर आया जा सकता है। तो ये था आपका झारखंड बाजार मोबाइल ऐप, तो वेजीगो और आपका झारखंड मोबाइल ऐप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि घर में रहे सुरक्षित रहे, राशन फल सब्जी दूध दवाइयाँ सभी आप इससे मंगवा सकते थे। तो आसपास के आप यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आइकन में बनाए गए हैं कि कैसे कैसे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन कीजिए, अपना नाम दीजिए, ई पास जनरेट हो जाएगा, एम पास आने के लिए डिलीवरी एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। तो पूरा का पूरा ये प्रोसेस था झारखंड बाजार मोबाइल ऐप के लिए। ग्राहक दुकानदार का संपर्क सेतु, मतलब ये ब्रिज का काम कर रहा था ग्राहक के बीच में और दुकानदार के बीच में, ठीक है कि नहीं, अच्छे समय में आ रहा होगा, एमसीक्यू करेंगे बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, चिंता नहीं करना। लास्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं अभी झालसा। सबसे पहले तो आपको झालसा का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो लॉकडाउन के टाइम में झालसा ने भी क्या किया, भूखों को खाना पहुंचाने के लिए सेवा रथ का यहाँ पे शुरुआत किया था। तो आप सेवा रथ इस तरह से आप यहाँ पे शुरुआत किया गया था, तो इसके तहत क्या कर रहा था कि लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा था दूर दराज में जो भूखे हैं। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे फोटोज वायरल हो रहे थे, कि वीडियोज वायरल हो रहे थे कि इन्होंने खाना वहां पे पहुंचाया, काफी मदद की लोगों को। तो ये सेवा रथ यहाँ पे शुरुआत किया था किसके तहत, झालसा के द्वारा। उसका फुल फॉर्म होता है झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, या हिंदी में बोले तो झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। एक और ई संजीवनी के बारे में पढ़ते हैं, ये लास्ट है इस लेक्चर का, क्योंकि छोटे छोटे थे तो मैंने, और कोरोना सारे रिलेटेड है इसलिए मैंने सारे को एक में इंक्लूड करना सही समझा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बार बार पढ़। तो ई संजीवनी के द्वारा क्या है, तो आपको ध्यान रखना संजीवनी, संजीवनी मतलब कुछ जड़ी बूटी, जड़ी बूटी तो आज के डॉक्टर देंगे नहीं आपको, आपको क्या करेंगे, झारखंड सरकार आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी कोविड के टाइम में, कि आपका तबीयत कैसा है, हाँ आपको थोड़ा सा बुखार लग रहा है तो आप ये दवाई खा लीजिए, जैसे बहुत एजिथ्रोमाइसिन वगैरह बहुत ही उस समय
पीक पर था, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, फिर जित जिंक वाले दवाइयां थी ये लेने के लिए बोल रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो डॉक्टर्स है, ये तो आपका डमी पिक्चर है, लेकिन ये एक्चुअल पिक्चर है कि यहाँ पे लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं कि किनको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये आपका ई संजीवनी था, इसके तहत ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन यहाँ पे शुरू किया गया था। काफी अच्छी यहाँ पे स्कीम लाई गई थी कोविड के टाइम में, राइट। तो ये था आपका लेक्चर ये वाला। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे ऐप आप में आपको सिलसिलेवार ढंग से भी वहां पे मिल जाएगा। और भी किसी अन्य तरह की जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।